मुझे रास्ते से मिली मेरे बच्चे की मौत की खबर मिल गई मुझे। अब मैं कैसे जीऊँ मेरे बच्चे की सिवा, मेरे बच्चे की सिवा मैं कैसे जीऊँ? अमृतसर मजीठा रोड विखे रामनगर कलोनी विच उस वेले मातम दा माहौल छा गया जदों खुले गटर विचों 2 साल दे छोटे बच्चे दी लाश पाई गई। इस संबंधी पत्रकारां नूं जानकारी दिंदे होए मृतक बच्चे दे परिवारक मैंबरां ने दस्सिया कि उन्हां दा बच्चा सवेर वेले गली विच खेड रहा सी ते अचानक ही उन्हां दा बच्चा लापता हो गया ते देर बाद पता चलिया कि उन्हां दा बच्चा सीवरेज ते गटर च टिक गया होया ते जदों बच्चे नूं बाहर कढ़िया गया तां बच्चा मरिया होया सी। गुस्से विच परिवार वालों प्रशासन के खिलाफ मजीठा रोड के उत्ते रोस प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो दूजे पासे मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला दर्ज किया जा रहा है, जांच की जा रही है, तो जांच जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो होर उन्होंने की कहा वो तुसी आप सुनो। इन्हें उत्ते केस होना चाहिए। श्री राम रामनगर कलोनी। अच्छा की होया की आज भाई? ये बच्चा जब इहदा डैडी ना रोटी खान लग्या ही तो रोटी खाते खाते ना बच्चा इधर बाहर आ गया, बाहर आ गया तो इनू 15-10 मिनट बाद इनू लभ्या, जो मिलया नहीं 2-2.5 घंटा लभ्या कोई कि नहीं मिले इनू, जो लभदे पता नहीं लगे शक्कर लगाई फिर इन्हें डांग मारे सी बच्चे उदो बच्चा उत्ते आ गया। ठेकेदार का और जिन्होंने काम कराया उन्होंने उत्ते केस होना चाहिए, उन्हें उत्ते केस होना चाहिए। मैं मेरा बच्चा ना, ये मेरा बड़ा बेटा है, वो खेलने जाता है, वो भी इसके पीछे पीछे चला जाता है तो ये ना उसको संभाल नहीं पाता तो उसने ये गिर गई, पैर फिसल के गिर गई। मेरा बेटा छुप गए, अब वो आके कुछ नहीं बोल सकता कि क्या हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, ये तो छोटा है, बस मैं तो काम पर थी तो मुझे रास्ते से मेरे बच्चे की मौत की खबर मिल गई मुझे। अब मैं कैसे जीऊँ मेरे बच्चे की सिवा, मेरे बच्चे की सिवा मैं कैसे जीऊँ? किसका मांग? मैं तो वही कह रही हूँ ना, जिसने करवाया, जो पदर ने करवाया उसका कसूर है, क्योंकि वो इतना दिन से महीना से करवा के रखा है, अभी तक बंद क्यों नहीं किया? अभी तक बंद क्यों नहीं किया? अगर नहीं बंद करवाना है तो उसने खुदाई क्यों की? खुदाई क्यों की उसने? एक 2 साल का बच्चा है, उसकी इतने सीवर से डिगण नाल डेथ हो गई है। ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸੀਵਰ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼।